परवीन साहिबा यूपी से हैं। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम, बताएं वालेकुम। परवीन क्या परेशानी आपको? हमारे बेटे को, हमें दोनों लोगों को गठिया है जिसकी आप काफी कर ली है। तो हमारे तो ऐसी है कि नॉर्मली हम रात में जब लेटते हैं तो सुबह पैर की एक दाहिना साइड है वो जो है क्या कहते हैं चलने में बहुत तकलीफ करता है, फिर तो थोड़ा थोड़ा चलते हैं वो सही हो जाता है। लेकिन हमारे बेटे में जो आई वो गठिया, तो अभी उसकी 15 साल है। हेलो जी, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ। उसकी 15 साल है और 5-6 साल से तकलीफ थी एक साइड उसके भी पैर में, लेकिन हम लोग इतना ट्रीटमेंट कराते रहे जान नहीं पाए। फिर मेडिकल कॉलेज में जब गठिया विभाग में गए तो उसको ये बता दिया कि गठिया है, जरा सब इलाज तो वहाँ का चल रहा है। अब आप उतना कुछ घरेलू उसका भी बता दीजिए हमें ताकि उसके साथ थोड़ा कर लें और फिर जैसा होगा फिर आगे देखते हैं। ठीक परवीन जी, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, आप दोनों लोग ठीक हो सकते हैं मुकम्मल तौर पर, लेकिन आप समझ लें इलाज कैसे करना है। जो दवा लेते हैं वो चाहे तो लें चाहे ना लें, वैसे लेते रहें कुछ दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यूनानी में है और सब्र वालों के लिए है। गठिया में देखिए अश्वगंधा, जिसे अश्वगंध भी कहते हैं हम, अश्वगंधा बहुत मशहूर दवा है, अश्वगंधा और छोटी हड़ अश्वगंधा अलसी और गौंस्या। फिर मैं बताना चाहूँगा गौंस्या जो है वो बहुत महंगा आता है और बहुत नकली मिलता है, उसकी पहचान यह है कि बहुत कड़वा होता है, खाने में बहुत कड़वा होता है। इन सबको आप हम वजन लें, यानी 100 ग्राम गौंस्या यानी काला गौंद, 100 ग्राम अश्वगंधा, 100 ग्राम छोटी हड़, 100 ग्राम अलसी, इन सबको 100-100 ग्राम लें और इसको पाउडर बना लें और 1-1 ग्राम सुबह शाम आप भी और आपके फर्जंद भी अगर खाएं लगातार 1 से ज़्यादा महीने तक, तो हर वो आदमी जिसका को गठिया है या जोड़ों में दर्द है या घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है जी, ऐसे लोग ठीक होना मुमकिन है। हकीम साहब, जैसे कि सर्दी आ रही है, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं गठिया बाई के, जो जोड़ों के दर्द के जो पेशेंट होते हैं, उनको परेशानी ज़्यादा होती है, तो क्या आप कोई दवा इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी जानिब से जिससे 3-4 महीने में ये लोग ठीक हो जाएं? देखिए, हमारा काम ही सबसे ज़्यादा, हमारा जो काम हुआ है हमारी कंपनी का, तो वो जोड़ों के दर्द, गठिया, अर्कुन्नसा यानी साइटिका और स्लिप डिस्क पर है और हमारी मोनोपोली है, हमारा कब्ज़ा है इन इमराज पर। और इसके लिए हमारी कंपनी की भी अद्वियात आती है, आप चाहें तो फ़ोन कर लें और अपनी पूरी कैफियत बताकर और दवा भी ले सकते हैं। वैसे हमारी कंपनी की इसमें एक ख़ास दवा है जो जिसमें बेशतर लोग को फ़ायदा हो जाता है, मर्ज़ की कैफियत देखकर, और 1 महीने में इतना फ़ायदा होता है बस कि आपको ये हो जाए कि हाँ मुझे कुछ फ़ायदा शुरू हो गया। मर्ज़ की शिद्दत 1 महीने में बेशतर लोगों की चली जाती है। जो लोग ऑपरेट होने वाले होते हैं वो भी इसको कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग ऑपरेशन से ही बच चुके हैं, वरना उनका ऑपरेशन होता और ऑपरेशन के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं, फिर भी यही दवा खानी पड़ती है जी। तो आप फैसला करें और ये दवा शुरू करें, मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है।